हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सबको भी ना अभी पिछली वीडियो देख के ये लग रहा होगा कि मैंने बांग ज्यादा पी ली थी। एक्चुअली मैं ज्यादा बांग नहीं पी थी, मैंने ज्यादा बांग पी थी। हाँ। है कितनी? दो ग्लास तो कर रहा था तेरे मुंह पे जूतियां मारे। मैंने मनोगे, मैंने सिर्फ छोटी ग्लास ही पी थी और मेरे को इतनी चढ़ी। इस बंदे ने सिर्फ कम से कम दो से तीन ग्लास पिए थे। तेरे को क्यों नहीं चढ़ी यार? बच्चे हैं तुम, बच्चे हो। मैंने इतनी सी पी थी, मेरे को चढ़ गई। इसको इतने दो से तीन ग्लास पिए यार। फिलहाल मतलब यार बांग का नशा पता कैसा नशा होता है? बांग का नशा उतरता ही नहीं है, चाहे आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो यार। मेरे को स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका मौज ले रहे थे, हम बोल रहे थे कि भाई चढ़ गई है। हम, मैं और मन्नू भी बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। पहले हुआ सर मन्नू भैया को, पता नहीं क्या हरकतें करने लग पड़े, समझ कुछ नहीं आ रहा। फिर धीरे 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 जब इन्होंने हंसना शुरू किया ना, फिर भाई हंसी रुकी नहीं, पूरी रात हंसते रहे। बाद में सुबह उठ के वीडियो देखी मैंने, मैं कि मैं कर रहा था, तो इतनी पागलों वाली हरकतें। फिलहाल गाइस अभी मैं हूँ सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर जिन लोगों को नहीं पता बता दूँ, बड़ी बहना विश्ना एरिया में है, मासी घर में हूँ। और सुबह से अभी शाम हो चुकी है और अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि यार नशा इतना चढ़ गया हुआ था, सो के गुजारा मैंने पूरा दिन। सुबह उठा, नहाया, रोटी खाई, फिर से सो गया। अभी उठा 4 बजे, अभी हम जा रहे हैं सिटी वाली साइड क्योंकि मुझे करवानी है दाढ़ी, ट्रिम करवानी है, थोड़े बाल शाल छोटे करवाने हैं, क्योंकि यार परसों मेरे दोस्त की यार शादी भी है तो वहाँ पे जाना है मैंने। फिलहाल अभी वहाँ पे जा रहे हैं। सुबह से सिटी गया हुआ था, अभी आया घर में, तो मैं चलो यार चलते हैं सिटी जा रहे हैं। दोनों हम सिटी जा रहे हैं, हम छन्नी करवाएंगे दाढ़ी वगैरह। तो भाई सुबह से हो गई शाम से हो गई रात, रात के बजे 8:30 बज रहे हैं। मतलब सारा का सारा दिन ऐसे बाहर निकल गया, बाहर नहीं निकल गया एक्चुअली, सारा दिन नशे में निकल गया, बांग के नशे में निकल गया। जैसे क्या बताया मैंने कल ज्यादा बांग पी ली थी, ज्यादा भी नहीं पी थी, पी तो थोड़ी थी। तो 4:30 बजे उठ के हम चले गए सिटी। सिटी से आने के बाद अभी पहुंचे हैं घर, 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। जस्ट मुंह वगैरह धोया और बाल वगैरह कटवा लिए मैंने, छोटे हो गए थोड़े, पर कोई नहीं, शादी अगले महीने तब तक सही हो ही जाएंगे। तू कैसा निकाल रहा है? अखबार पढ़ रहा है। ओ भरावा, फोन नहीं चलाना अज? यार कितने देर के लिए? 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए? अच्छा जब तक फोन चार्ज नहीं होता, यहाँ पे मैं सही बताऊँ, यहाँ पे गर्मी है, बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया देख बैठे हैं। मैं सही बताऊँ तो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं सारे, लेकिन काम कोई नहीं करता, काम सिर्फ मैं ही करता हूँ। ये काम करवाने के लिए आई है, इसने सिर्फ काम करवाने के नाम पे सिर्फ फोन चलाया, नहीं चलाया फोन तो बता अभी क्या पकड़ा हुआ हाथ में? फोन अभी पकड़ा काम करने के बाद ही, ठीक है। कौन सा काम कीजिए बता? कपड़े धोए मैंने, जो पेंट लगा था टाइल पे वो मैंने सारा साफ किया, शक्ल निकाला। सारा यहाँ पे कोई नहीं करता, काम सिर्फ मैं ही करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ। आज तो मैंने किया ही नहीं, आज तो मैंने भी नहीं किया, आज तो मैं भी यार सोया हुआ था पूरा दिन, क्योंकि नशा उतर रहा था ना, शाम को उतरा नशा, फिर शाम को उतरते ही हम बाहर चले गए। तो अभी जस्ट घर पहुंचे हैं, सुबह से कुछ ब्लॉग भी नहीं बनाया हुआ, अभी बनाना शुरू किया मैंने। क्या पढ़ रहा अखबार? गड्डी देख रहा हूँ साले। साला इधर ही फोटो देख रहा है, लाल फोटो के रेट नहीं पढ़ने। सॉरी। तो डाबा ढूंढने की तलाश में हम निकल रहे हैं बड़ी अपना रोड पे। पहले एक है ज्ञानी डाबा, ऐसे तो वो 11:30 तक बंद नहीं होता, लेकिन आज 10:30 बजे अभी जल्दी बंद हो गया हुआ है। अभी एक और ढाबा है इसी लेन में आगे, बड़ी अपना लेन में ना, तो फिलहाल अभी उधर जा रहे हैं देखने के लिए। अगर वो खुला मिला ना तो रोटी खाने का मन कर रहा है, भैया के दोस्त वगैरह भी आए हुए थे तो कहते हैं रोटी खानी है, तो ढाबे में आए बढ़िया अपना, लेकिन एक ढाबा बंद मिला। अभी दूसरा ढाबा ढूंढने के लिए जा रहे हैं इसी लेन में, पैदल ही जा रहे हैं। गाड़ी हमारी दूसरी साइड लगी हुई है, यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है ना, तो गाड़ी उस साइड लगा के तो हम पैदल ही जा रहे हैं फिलहाल। और ये बढ़िया अपना हंगरी पॉइंट भी पहुंच गया, लेकिन पिज्जा वगैरह खाने का मन नहीं है, मन है रोटी खाने का, रोटी और दाल खाने का। भैया बोलते बर्गर खाना है, बर्गर पिज्जा नहीं खाना, बर्गर खा लेते हैं। तो बर्गर खाने के लिए हंगरी पॉइंट जा रहे हैं, एक एक बर्गर खाया हंगरी पॉइंट से, अब निकल रहे हैं दोबारा आगे ढाबे की तलाश में, क्योंकि ढाबा चाहिए यार, रोटी खाने का मन कर रहा है, दाल रोटी, दाल और नान, वो खा के ही दर्द आ रहा है। अब देखते हैं कोई खुला मिला ना वहाँ पे खाएंगे। ज्ञानी का पता, हम पहले भी आते हैं ना तो ज्ञानी के पास ही खाते हैं बड़ी यमुना में, लेकिन आज वो बंद है भाई। कोई ढाबा तो नहीं मिला हमें खुला हुआ, लेकिन इतना है पैदल चलने का जो मज़ा है ना वो अलग ही भाई भाई यार, मज़ा आ गया पैदल चलने का। लेकिन कोई होटल ढाबा वगैरह कोई खुला नहीं मिला इस समय में, क्योंकि 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इस टाइम सारे क्लोज कर रहे होते हैं। एक मिला खुला, लेकिन उन्होंने किचन क्लोज कर दी थी। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं वापस गाड़ी में, क्या करना है, बिना खाए पिए चले जाएंगे आज घर में। ऐसे मन, मतलब रोटी तो खा ली घर में, ऐसे मन कर रहा था बाहर का कुछ खाने का, तो
इसलिए निकल गए थे हम, बाकी रोटी का कोई चक्कर नहीं, पैदल चलने का जो मजा आया ना वो अलग ही मजा आया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं शाम को यार, अभी टाइम हो रहा है शाम के पूरे प्रॉपर 6 बज रहे हैं, ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे है। पूरा दिन से मैं अंदर था, बीमार पड़ा हुआ था, सोया हुआ था, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। अभी जस्ट उठाऊंगा, 5 बजे उठा तो थोड़ा एक्टिव हुआ, आगे पीछे गया, अभी 6 बजे उठ के छत पे आया हूं मैं ब्लॉग शुरू करने के लिए। कल क्यों नहीं शुरू कर पाया ब्लॉग, मैं बताया तो आपको, मैंने पी ली थी भांग। जिन लोगों को लग रहा है कि मैंने ज्यादा भांग पी ली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए सिर्फ इतनी सी पी थी। और नन्नू ने तो 1-2 ग्लास पी ली थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सिर्फ इतनी सी पी थी और मुझे उतने में नशा हो गया उसका। तो पूरी रात हंसते रहे हम, उसके बाद अगला दिन सोने में निकल गया, क्योंकि भांग का नशा ऐसा नशा होता है ना यार, वो किसी भी चीज से उतरता ही नहीं है, ना नींबू वगैरह से ना किसी और चीज से। तो पूरा दिन सो के निकाला मैंने। जो आज का दिन है, मैं सोच रहा था कि सुबह उठ के वीडियो वगैरह बनाऊंगा, लेकिन आज का दिन बीमार हो गया मैं, गला दर्द हो रहा मेरा, थोड़ा थोड़ा बुखार भी है। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं, अभी आया हुआ छत के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। मतलब सारा का सारा दिन, मानोगे सारा का सारा दिन ऐसे निकल गया। कल वैसे बाल वगैरह कटवाने भी गया था मैं, शाम को गया था, कल भी शाम को उठा था मैं 4 बजे के करीब, 4 बजे करीब उठा था, 4:30 बजे हम चले गए वहाँ पे बाल वगैरह कटवाने के लिए, फिर रात को फिर आए 8 बजे, फिर कल भी कुछ वीडियो नहीं बना पाया और आज भी सोते सोते निकाल दिया पूरा दिन, आज वीडियो नहीं बना पाया। भैया गिटार बजा रहे हैं, मम्मी भजन सुन रहे हैं और मैं भी पास बैठ के सुन रहा हूँ। फिलहाल आज वीडियो बस इतने था, आज का दिन खत्म, वीडियो खत्म, बुला बताए, बाय बाय।